मैं आपका दोस्त मोहम्मद अली और उम्मीद करता हूँ आज हम लेने जा रहे हैं 10th क्लास के लिए टॉपिक लेक्चर फ्रेंड। इससे पहले जो हमारा 5th लेक्चर था उसमें हमारा टॉपिक था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रेंड उसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़े थे और टोटल जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपके बुक में जो दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो 12 थे। तो पांचवी दिन का जो उसका लेक्चर था तो आज हम लेने जा रहे हैं लेक्चर में वही हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम 6 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो हमसे रह गए थे। अच्छा जी तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। उसमें फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है आज के लिए जो फर्स्ट और 7th नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है थर्मल इंस्टेबिलिटी। थर्मल इंस्टेबिलिटी से क्या मतलब है? थर्मल मतलब मीन हीट हम से कहते हैं, थर्म से हम मतलब मीन कहते हैं इंस्टेबल मतलब कि जो स्टेबल ना हो। तो वो ये वो कंपाउंड है जो कि हीट गेन करने पर स्टेबल नहीं हो पाते, फिर अनस्टेबल हो जाते हैं और फिर लॉस इन द एनवायरनमेंट। मतलब ये थर्मल इंस्टेबल है और डिकम्पोज बाय हीट, यानी ये स्मॉल लार्जर मॉलिक्यूल जितने भी है तो वो जब हीट गेन कर रहे हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो आउटर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। अच्छा जी तो डिकम्पोज बाय हीट, तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था, यानी कि ऐसा कोई अंदर बड़ी है कि हीट गेन करने पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है बर्न स्मोकिंग ग्लो फ्लेम सॉरी फ्लेम। अच्छा जी इसमें इस जो पॉइंट ये जो पॉइंट है उससे फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट होगा वो ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंप्लीट कंपल्शन कैरी करते हैं। सेकेंड जो हमारे पास होगा वो प्रोड्यूस स्मोक इन फ्लेम, यानी कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं हमारे पास पेट्रोलियम हो गया वगैरह वगैरह का जितने भी कंपाउंड हो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको जब हम जलाते हैं तो ये स्मोक इन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने चला एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको नॉन आयनिक है, नॉन पोलर है और डिफरेंट
भी बहुत ज्यादा कम है, तो इसी वजह से आप ये देखिए ये फोर कंडक्टर है, चाहे ये ट्यूब स्टेट में हो या फिर ट्यूब स्टेट में हो, ये फोर कंडक्टर है। तो ये रेफरेंस आज का हमारा टॉपिक, और एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन मीटिंग की रियल कमेंट बॉक्स और